सीमित क्या होता है और अनंत क्या होता है? जब हम सीमित की बात करते हैं तो हम संख्याओं के पूरे नंबर सिस्टम की बात करते हैं। गणित मतलब एक से लेकर कोई नहीं जानता कि आखिरी नंबर क्या है, क्योंकि हम आखिरी नंबर नहीं जानते तो हमने कहा अनंत। सीमित को हम गिन सकते हैं। जो हम गिन नहीं सकते उसके लिए कैलकुलेटर बनाते हैं, जो कैलकुलेटर नहीं गिन सकते उसके लिए कंप्यूटर बनाते हैं, जो कंप्यूटर नहीं गिन सकते उसके लिए सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम वहां खत्म नहीं होता, बस बढ़ता जाता है। अगर आप एक सुप्रीम कंप्यूटर भी बनाएं तब भी आप वाकई गिन नहीं सकते, वो बस बढ़ता जाता है। तो हमने कहा कि कुछ ऐसा है जो अनंत है। मूल रूप से हम कह रहे हैं वो जो हमारी पहुंच से बाहर है। हम अनंत की बात किसी परम संख्या के रूप में नहीं कर रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है। हम उसे अनंत कह रहे हैं। अनंत कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इट्स नॉट अ नंबर रियली। वास्तव में ये कोई नंबर ही नहीं है, ये संख्याओं के सिस्टम से बाहर है। शून्य भी नंबर सिस्टम से बाहर है, लेकिन हमने उसे इसलिए अपनाया क्योंकि हम अपनी उंगलियों की संख्या से आगे नहीं जा पाए, तो हमने उसे अपना लिया। आप जानते हैं रोमवासी कैसे गिनते थे, उनकी गणित कितनी उलझी हुई थी। आप नहीं जानते, आप रोम संख्याओं का राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही है। तो अनंत, हम सोच रहे थे कि अनंत का क्या किया जाए। फिर भारतीय योगियों ने एक तरीका खोजा। जब भी वो अनंत हो जाते उनका ऊर्जा सिस्टम ये रूप ले लेता, तो उन्होंने इसे उस चीज का प्रतीक बना दिया जो संख्याओं से परे है। तो आज आप इसे अनंत या असीम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे ऑर्बरस भी कहा गया है, जो एक घूमा हुआ सांप है जो अपनी ही पूंछ खा रहा है। तो ये अनंत का प्रतीक बन जाता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये मौजूद है, ये हमारे अपने अनुभव में और हमारी ऊर्जा में मौजूद है कि जब हम अपने अनुभव में अनंत हो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा इस तरह से घूमने लगती है। वरना वो इस तरह से घूमती हैं, एक बढ़ते हुए स्प्रिंग के रूप में। ऐसे बढ़ते हुए स्प्रिंग को यौगिक प्रणाली में या इस संस्कृति में इसे संस्कार कहा जाता है। स्प्रिंग का मतलब ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, बस हमेशा चलती ही रहती है। और इसकी प्रकृति गोलाकार है, मतलब ये एक तरह से नियंत्रित है और उसी नियंत्रित घेरे में ये हमेशा चलती रहती है। और लोग चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही हों। अगर आप थोड़ा आसपास घूमें तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप आसपास हैं और भाग रहे हैं। आप सत्य की खोज में ऐसे जाना चाहें तो आपका संसार इसकी अनुमति नहीं देगा। इसीलिए दुनिया में अगर आप सिगरेट पिए, शराब पिए, या आप चाहे थोड़े थोड़े प्रेम प्रसंग भी चलाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कहें कि मैं गुरु के पास जा रहा हूं, तो सबसे भयंकर तरीके से विरोध होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अब आप ऐसे जाना चाहते हैं, अब आपका ये चक्कर खत्म हो गया है। चक्कर में अगर आप यहां वहां भी जाएं तो वापस आ जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसे जाने लगें तो आप खो जाते हैं उनके लिए। लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भाग जाएं, क्योंकि वो जगह जो आप रहने के लिए चुनते हैं वो आपके जीवन की क्वालिटी तय नहीं करती। चाहे आप घर पर रहें या आश्रम में, दोनों ही जगह आप या तो मुक्त हो सकते हैं या उलझे हुए।
तो जगह से फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपके भीतर जीवन की हलचल से पड़ता है कि इसमें किस तरह की हलचल है, क्या ये गोल चक्कर है या ये सही तरीके से घूम रही है, यानी ये अपनी अनंत प्रकृति की ओर बढ़ रही है। अगर आप इस जीवन की प्रक्रिया के द्वार खुले रखें तो ये स्वाभाविक रूप से घूमेगी, क्योंकि अनंत संभावना पूरी तरह उपलब्ध है। सृष्टि में जितना भी जीवन है वो आपके लिए उपलब्ध है। जब आप अपनी ऊर्जा को अनंत के तरीके से घुमाएं तो जीवन अलग तरह से चलेगा, एक बिल्कुल अलग तरीके से। ये ऐसा प्रतीक नहीं है जिसकी मनुष्यों ने कल्पना की हो, ये वाकई होता है। आपको अपना हाथ दूसरों के सिर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किसे पता, हो सकता है आप भस्मासुर के अवतार हों। तो आपको ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आप देखेंगे ऊर्जाएं ऐसे घूम रही हैं। मैं जगह नहीं बताऊंगा ताकि आप दूसरों के साथ ये चीजें ना करें। तो ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी हमने कल्पना की है, ये ऊर्जा का कुदरती सिलसिला है जिसमें ऊर्जा तब जाती है जब जीवन का सीमित आयाम अस्तित्व की असीम प्रकृति को छूता है। अगर ये अनंत हो जाए तो ये एक व्यक्ति का जीवन नहीं होगा, ये चला जाएगा। लेकिन ये इस शरीर की सीमाओं में रहते हुए उस आयाम को छू रहा है जो अनंत है। तो ये सीमित ऊर्जा इस तरह घूमने लगती है। तो इसी तरह हम अनंत के प्रतीक तक पहुंचे। शून्य और अनंत दोनों भारत में बने हैं। क्योंकि ध्यान की गहराई को जानने वाला मनुष्य चाहिए। ऐसे नंबर तक पहुंचने के लिए जो कुछ नहीं है, शून्य कुछ नहीं है, अनंत भी एक तरह से कुछ नहीं है। संख्याओं के ऐसे सिस्टम तक पहुंचना जिसमें जोड़ नहीं होता, ये सिर्फ ध्यान की गहराई को जानने वाला मनुष्य कर सकता है, वरना यह नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग अपना मन किसी चीज पर तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपकी भावनाएं उससे न जुड़ जाएं।
आंखें बंद करें और स्थिर होकर बैठें। अपने शरीर को स्थिर रखिए, बिल्कुल स्थिर। हर हलचल की एक शुरुआत और एक अंत होता है। स्थिरता की ना तो शुरुआत है ना ही अंत। आप बिल्कुल स्थिर बैठिए, अपने शरीर को स्थिर रखिए, बिल्कुल स्थिर। अपने हिसाब से समय लेते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आंखें खोलिए।